जय श्री राम, जय पुरुषराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? जब भी मैं आता हूँ आपके सामने तो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आता हूँ। तो इससे इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए दो इंसान, जब आज ऑलमोस्ट एक महीना कंप्लीट होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के हमारे बीच ना रहने पर, तो वो दो इंसान सामने आए हैं। और वो जो दो इंसान सामने आए हैं उनमें से एक का नाम है अंकिता लोखंडे और दूसरा जो इंसान आया है सामने वो है रिया चक्रवर्ती। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ये दोनों आए कैसे हैं, क्या ऐसा किया है कि भाई सामने आए हैं खुल करके। पहले मैं आपको रिया चक्रवर्ती के बारे में बता देता हूं कि रिया चक्रवर्ती जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड पार्टनर कहलाने लगी थी सुशांत सिंह राजपूत के, तो मैं उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने अपना एक प्रोफाइल पिक चेंज किया है व्हाट्सएप का, ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके शायद वो ऐसा शो कर रही हैं कि वो बहुत मिस कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत को, जो एज अ फ्रेंड मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू रियली केयर अबाउट एनी पर्सन, यू शुड कम ऑन बिहाफ ऑफ हिम, यू शुड कम इन फ्रंट एंड से वॉट हैज हैपेंड टू माई फ्रेंड, वॉट हैज हैपेंड टू माई बॉयफ्रेंड। तो आप उस इंसान के लिए खड़े नहीं होते और आप अपना प्यार दिखा रहे हो एक सिंपैथी गेन करने के लिए कि यस यू हैव समथिंग इनसाइड और आप बहुत दुखी हो। तो ऐसे दुखी होने का जो सिंपैथी आप गेन करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आए हो, प्लीज मत आओ। इफ यू कैनॉट कम एंड आस्क फॉर जस्टिस, देन यू आर नोवेयर इन अ सीन वेयर यू एग्जिस्ट, राइट। तो अपना एक ये फेक जो सिंपैथी गेन करने का तरीका है ना, उस चीज को लाना आप छोड़ दो। दिस इज अ मैसेज टू यू रिया चक्रवर्ती। एंड द नेक्स्ट वन इज अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टा पे पोस्ट किया है और श्रद्धांजलि दी है सुशांत सिंह राजपूत को, और इसमें एक फोटोग्राफ है जो मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इसमें एक दिया जल रहा है, सामने श्री गणेश जी का फोटोग्राफ है और भी बहुत सारे भगवान जी का फोटोग्राफ है, और वहाँ पे दिया जल रहा है। और इस फोटोग्राफ के कैप्शन में जो लिखा हुआ है वो चाइल्ड ऑफ गॉड, मतलब भगवान का बच्चा, ठीक है। चलो अच्छा है कि आप एक महीने बाद सामने आए हो, अच्छा लगा ये देख करके। हाँ, ये हमें मालूम है कि आपका रिलेशन सुशांत सिंह राजपूत के साथ 6 साल से था और आप लोग कभी रिलेशनशिप में थे। तो चाहे मैं हूँ, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के कोई भी फैन हो, चाहे उनसे रिलेटेड उनके परिवार वाले भी हैं, तो जितना टाइम आपने स्पेंड किया है टुगेदर, वो मुझे लगता है कि दैट वॉज द बेस्ट टाइम एज फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, बिकॉज यू वेर इन अ रिलेशनशिप, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा अगर मालूम होगा किसी इंसान को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो किस टाइप का इंसान था, उसके साथ क्या गुजर रहा था, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं हो रही थी, वो शायद इंसान आप हो। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इफ यू आर अ ट्रू लवर, देखो प्यार को बदनाम ना होने दो, देखो प्यार को बदनाम ना होने दो, ठीक है। अगर आप रियली एक ट्रू लवर थे, अगर आप रियली केयर करते हो अभी भी सुशांत के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके फैंस के बारे में, क्योंकि सुशांत का एक दिल का टुकड़ा शायद अभी भी आपके दिल में है और आप एक परछाई भी हो सुशांत सिंह राजपूत के लिए एज अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे लगता है कि आपको सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए आपको खुलकर सामने आना चाहिए। आपने एक ऐसे इंसान को इस दुनिया को अलविदा कह दिया जो इंसान आपके लिए सबसे प्यारा था, आई थिंक सो, ठीक है। तो एक बात बताओगे आप ऐसे करियर का लेकर के क्या करोगे, बॉलीवुड में रहकर क्या करोगे, ऐसा करियर भाड़ में जाए, ऐसा क्या करियर जो मुझे खुश नहीं रख सकता है। अगर आप खुश नहीं हो तो ऐसा करियर लेके क्या करना, ऐसा पैसा कमा के क्या करना। और आपने उस इंसान को आज के डेट में खोया है जो शायद आपके लिए कभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और शायद अभी भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने आपके बहुत सारे वीडियोज देखे हैं। वो जो नचवलिए वाला वीडियो था, वो भी काइंड ऑफ जो नचवलिए डांस प्रोग्राम था, जो आप लोग डांस में आए थे आप लोग, तो वो भी देखा हमने कि सुशांत सिंह राजपूत एक गाने पे परफॉर्म किया था, वो अपने माँ के वो डेडिकेट किया था वो सॉन्ग, उस पे जब उसने परफॉर्म किया था तो आप दौड़ करके उसे गले लगाने के लिए आ गई थी। दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग इनसाइड यू, अ फीलिंग, काइंड ऑफ फीलिंग फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो हम चाहते हैं कि आज भी आप दौड़ करके अपने सारे फैंस,
क्योंकि आप एक तरह से परछाई हो सुशांत सिंह राजपूत के, तो मेरा एक पर्सनल मैसेज है और सारे फैंस की ओर से आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको कुछ भी मालूम है, अगर आपके पास कुछ भी है इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड से रिलेटेड हुए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है, तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा अंकिता लोखंडे जी आइए सामने खुल करके, और आज एक राइट टाइम है, आज एक सही टाइम है, जिंदगी भर आप पैसे कमा लेना, जिंदगी भर आप काम कर लेना, लेकिन अगर आपने जस्टिस दिलाने में हेल्प कर दी ना हम जैसे फ्रेंड्स की और जो भी जस्टिस के लिए खड़े हुए उनको, तो ऊपर से वो इंसान देख रहा है, ऊपर से ऊपर वाला भी देख रहा है कि उनके सच्चे फैन, उनके सच्चे साथी आज भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी डोंट नीड एनी फेक पर्सन इन देयर लाइफ लाइक रिया चक्रवर्ती, राइट, जो सामने आ रही हैं तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए आ रही हैं, ठीक है। तो आपसे मेरा एक तहे दिल से आग्रह रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप एक श्रद्धांजलि सही मायने में अगर देना चाहते हो सुशांत सिंह राजपूत को, तो खुल करके सामने आओ, और जो भी बॉलीवुड में कल्प्रिट्स हैं, whosoever are responsible for the murder, the so-called suicide of सुशांत सिंह राजपूत, उनको सजा मिले, और आप ये चीज कर सकती हैं, तो अब आप खुलकर सामने आओ, ऐसा श्रद्धांजलि मत दो, देना है तो वो श्रद्धांजलि दो जो ऊपर से वो देखने वाला इंसान है ना वो भी खुश हो जाए, जो इंसान गया है ना ऊपर वो भी खुश हो जाए कि हाँ मैंने जिस इंसान से प्यार किया था ना वो सच्चा प्यार था और वो सच्चा इंसान था, और मैं बहुत कुछ छोड़ गया हूँ, और वो चीज उसको फील कराओ कम से कम ऊपर भी, और हम जैसे फैन को सपोर्ट करो, और हम बहुत दिल से ये चाहते हैं कि आप कम से कम खुलकर सामने आओ और पर्दा फास्ट कर दो कम्प्लीटली बॉलीवुड का, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो चाहे वो बॉलीवुड स्क्रीन इंडस्ट्री हो, ठीक है, आप हर किसी का पर्दा फास्ट करो, आप कर सकती हो, एंड हाँ अगर आप नहीं करती हो तो मुझे लगता है कि ऐसा प्यार होना ना होना, फिर किसी भी इंसान को फिर प्यार पे भरोसा नहीं रहेगा, कोई भी इंसान प्यार करेगा नहीं, वो जो गाना है ना प्यार हमारा अमर रहेगा, तो आप उस चीज को अमर कर सकते हो, एंड खुल के आओ यार, नो प्रॉब्लम, वी आर विद यू, वी आर द फैंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, वी आर द पीपल, वी आर कंप्लीटली सपोर्टिंग सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस, सो हम लोग आपके साथ हैं, एंड डोंट वरी, डोंट बदर अबाउट एनीथिंग, खुल के सामने आओ, आज नहीं आओगे तो आपको रिग्रेट रहेगा जिंदगी भर, जब तक आप इस धरती पर रहोगे तब तक आपको इस चीज का रिग्रेट रहेगा कि आपने शायद जो डिसीजन लेना था उस टाइम वो डिसीजन ले लिया, ऐसे बॉलीवुड में काम करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और हाँ एक और मैसेज है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे यूट्यूब वीडियो के, और जितने भी हम जैसे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एक नेपोमीटर नाम का ट्विटर पे अकाउंट होगा, उसको जाकर के आप लोग फॉलो करो, ठीक है। और नेपोमीटर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत के जो ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट किया है नेपोमीटर, और उसमें होगा क्या कि जितने भी मूवीज और टेलीविजन शोज हो गए बेस्ड ऑन नेपोटिस्टिक और इंडिपेंडेंट द कास्ट एंड क्रू, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर ये चीज सर्वे करेगा, और कौन किस चीज के अंदर में आता है उस चीज को सर्वे करके उसका एक रियल रेटिंग आप लोग के सामने लेकर आएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आप नेपोमीटर को भी सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है। और हाँ मेरे जितने भी वीडियोस हैं, आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप शेयर करो, ताकि मेरे वीडियो बनाने का एक मोटिव है कि जितने भी वीडियोस में मैसेजेस मैं दे रहा हूँ लोगों को, वो सारे मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस हैं वो दूर तक पहुंचे, और जहां पहुंचना चाहिए इन चीजों को वहां पर पहुंचे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तब मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है ना सफल होगा। टिल देन टेक केयर, जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।